मुख नक्षत्र शुभ मुहूर्त माना जाता है और इस दिन लोग उत्साह के साथ खरीदारी करते हैं। बाजार में भी चहल पहल रहती है, लेकिन इस बार कोरोना वायरस की वजह से ना बाजार में चहल पहल है और ना ही सड़कों पर। दुकानों पर पसरा सन्नाटा बता रहा है कि कोरोना का कहर कितना ज्यादा है। व्यापारियों का कहना है कि कोरोना का असर दीपावली पर भी दिखाई दे रहा है। पुख नक्षत्र होने के बावजूद मार्केट में बहुत ज्यादा उत्साह देखने को नहीं मिल रहा। बाजार की स्थिति तो अभी इस टाइम पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आगे बाजार चलेगा कि नहीं चलेगा। पहले नंबर तो कोरोना काल चल रहा था, मंदी का दौर था। इस बार अब लग रहा था कि दीपावली बहुत बड़ा त्यौहार है, चलेगा, लेकिन उम्मीद नहीं लग रही। आज पुख नक्षत्र है, वैसे अपने हिंदू धर्म में गुरु पुख ज़्यादा अच्छा माना जाता, लेकिन इस बार शनि पुख पड़ा। लेकिन पुख का एक बहस महत्व होता है, दीपावली के पहले जो पड़ता है पुख, उसमें लोग खरीदारी के लिए बहुत निकलते हैं। अब बर्तन तो अभी इतना नहीं दिख रहा कि बर्तन चलेगा, और बाकी और बाजार में क्या स्थिति है समझ में नहीं आ रही, क्या स्थिति बनने वाली है। इतना ट्रैफिक रहता था मेन चौक बाजार पे कि दो दो घंटे का ट्रैफिक लगता था। आज आप देखो कि रेगुलर फोर व्हीलर गाड़ी से भी निकल जाओ, मतलब कहीं कोई कस्टमर नहीं है कोई भी दुकान पर, और बहुत ज़्यादा सन्नाटा है इस बार। अब देखो स्थिति क्या बनती, धनतेरस कैसी चलती है। दीपावली पर कोरोना का पूरा असर है, क्योंकि बाहर कोई माल भी नहीं है, सब जितने भी लेबर थी सब अपने घर पे वापसी है, स्टॉक नहीं है कहीं भी, और सब इस बार सब चल रहा काम राम भरोसे हो रहा है। तो कोरोना का पूरा प्रभाव अभी बाजार पर देखने के लिए मिल रहा है, और कोरोना की वजह से जो भी आर्थिक मंदी आई हुई है उस आर्थिक मंदी से अभी बाजार में कोई दम नहीं आई हुई है। नहीं तो पुख नक्षत्र में बाजार में बहुत भीड़ रहा करती थी, बहुत रश रहता था, लोभाव उत्साह से बाजार आते थे, खरीदारी करते थे। लेकिन आज जो पुख नक्षत्र है इसमें अभी तक, अभी 4 बज गए हैं, लेकिन इस समय तक बाजार में कोई भी रौनक नहीं है, चहल पहल नहीं है, ग्राहकों में उत्साह नहीं है। जो बहुत ही आवश्यक ग्राहक हैं वही बाजार में दिखाई दे रहे हैं। पुख नक्षत्र के हिसाब से जो रौनक और बिक्री होना चाहिए वो बिक्री नहीं दिखाई दे रही है।